हेलो देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं एजे फीफा और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक और नया करियर मोड का एपिसोड, यानी कि चेल्सी करियर मोड का एपिसोड खेल रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कमेंट आप लोगों ने मुझे करे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि कुछ नए प्लेयर्स को ऐड कर लो जिनकी की वैल्यू थोड़ी कम हो। तो मैंने वैसे तो सारे प्लेयर को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी हमारा बजट जो है ना उतना अच्छा नहीं है कि हम सारे प्लेयर को परचेज कर पाएँ। तो मैं चाहता हूं कि अगर एटलीस्ट इतने बजट के प्लेयर में मैं परचेस कर पाऊं जिनके लिए कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े हमको। तो फिलहाल तो देखो मैंने यहाँ पे सारे मोस्टली जो है ऐड तो करे ही हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारा फाइनेंशियल बजट के हिसाब से हम कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कही थी कि चेल्सी की टीम में ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उनके पास ऑलरेडी 80 प्लस के ही रेटिंग वाले प्लेयर्स हैं और बाकी लोगों को हमने डेवलपमेंट प्लान में डाल दिया है ताकि जो है ना हमको और ज़्यादा ऑप्शन मिले उनके साथ एक्सप्लोर करने का और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होती रहे। तो किसी ने कहा था डी जेम्स को ले लो, राइट विंग में है और काफ़ी कम प्राइस में है और फिलहाल तो इसकी आई थिंक रिलीज कॉस्ट भी नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्टली अप्रोच करूँगा बाय करने की तो ये डायरेक्ट बाय हो जाएगा। इसकी रेटिंग फिलहाल 77 की है, अगर हम इसको डेवलपमेंट प्लान में डालते हैं तो मे भी अच्छा हो सकता है। ये दो प्लेयर के बीच में मैं देख रहा था लेकिन मुझे लगा कि शायद जेम्स को हम ट्राई दे सकते हैं। जेम्स उतना फास्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं राइट विंग की या राइट मिड की तरफ से ट्राई कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं सेंटर बैक तो नहीं लेकिन सेंटर हाफ के बीच में पोजीशन में दे सकता हूँ, या फिर कभी कभी चांस मिला तो थोड़ा सा ऊपर खिलाने की ट्राई करेंगे हम। लेकिन वो डिपेंड करता है क्योंकि ये प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है, ये राइट मिड बैक है। तो लेकिन डिपेंड करता है कि हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। और जो भी आप कमेंट करते हो मैं हर एक कमेंट को प्रॉपरली पढ़ता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट भी कहा था कि डी जेम्स को ज़रूर ट्राई करें आप एक बार, तो मैंने डी जेम्स के लिए ट्राई किया है और फिलहाल तो इसके रिलीज कॉस्ट के हिसाब से इसका यही प्राइस है। तो विदाउट नेगोशिएशन जो है हम इसको परचेज कर सकते हैं ये सेम प्राइस पे। तो मैं फिलहाल तो इसको परचेज कर लूँगा और बाद की जो नेगोशिएशन का पीरियड है वो हम देख लेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए हमको रखना है और डेवलपमेंट में डालना चाहता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद डेवलपमेंट प्लान में अगर मैं इसको रखता हूँ, इसकी स्पीड स्ट्रेंथ और स्टेमिना के बारे में अगर बात करते हैं तो मे बी 80 रेटिंग का प्लेयर तो हो ही सकता है। तो डील तो हमारी यहाँ फाइनल हो चुकी है, जेम्स को हमने इन कर लिया है चेल्सी में। तो अब जेम्स खेलेंगे भैया हमारे साथ। ओके, तो अब देखना पड़ेगा मुझे यहाँ से जेम्स के लिए जगह बनानी पड़ेगी। ओके, तो वैसे तो जगह नहीं बनती है बिकॉज मेरी जो सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी इन द सेंस काफ़ी अच्छी और तगड़ी वाली है तो उसमें जगह तो बनती नहीं। लेकिन चलो फिलहाल एक आध एडजस्टमेंट करूँगा और मुझे लग रहा माउंट को मैं फिलहाल बिठा सकता हूँ, थोड़ा सा माउंट को मैं बिठाऊँगा और जेम्स को फर्स्ट मैच में चांस दूंगा क्योंकि मैंने पहली बार में उनको बताया था कि प्रायोरिटी ज़्यादा सेट करेंगे और प्रायोरिटी सेट करने के मतलब यही है कि उसको फर्स्ट लेवल में जगह देंगे। तो फिलहाल तो फर्स्ट लेवल में जगह दे रहा हूँ, इसकी जगह मैं माउंट को बाहर बिठा रहा हूँ जो कि मुझे लगता नहीं वैसे प्रॉपर डिसीजन है। तो लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आई होप जेम्स जो है अच्छा परफॉर्मेंस करें, यहाँ प्रीमियर लीग के मैचेस चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों में बीच में किसी ने कमेंट भी किया था कि बॉल का जो है ना प्रॉब्लम है, बॉल प्रीमियर लीग कल नहीं दिख रहा, तो मैंने कस्टम बॉल एक्चुअली कर दिया था लेकिन इस मैच के बाद बॉल भी चेंज हो जाएगा। और फॉर्मेशन के लिए किसी ने कहा था लेकिन मैंने वो फॉर्मेशन ऑलरेडी कुछ एक मैचेस में ट्राई की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्मेशन के साथ ना मैं जैसे वर्नर वगैरह का और दूसरे प्लेयर्स का ना प्रॉपर जो है ना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फॉर्मेशन में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है क्योंकि मैं विंग की तरफ से प्लेयर्स को नहीं खिला पा रहा हूँ तो वहाँ पर दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं फॉर्मेशन को नहीं रख रहा हूँ, मैं अपनी वाइड वाली फॉर्मेशन के साथ ही खेल रहा हूँ। तो ही भी वो मैच की शुरुआत हो चुकी है एस्टन विला के साथ ये मैच, और प्रीमियर लीग के लिए हमारे मैचेस जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। और बहुत ही बढ़िया पास था डी बॉक्स के अंदर लेकिन ये क्या, ये कौन सा हलवा बन रहा है भाई यहाँ मुझे नहीं पता। लेकिन वापस बॉल आई है यहाँ पे वेनर के पास और वेनर भाई साहब क्या बात है, मतलब मैंने इस प्लेयर को स्टार्टिंग में ना थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया ऐसा मुझे लग रहा है। आई मतलब वो बोलूँगा कि मैं आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक जो मैंने स्टार्टिंग में करी थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैंने इस प्लेयर को थोड़ा कम रेटिंग में रख लिया। कम रेटिंग इन द सेंस ये बहुत ही स्टार प्लेयर है यार, मुझे मतलब लास्ट टाइम अगर एपिसोड आपने देखे होंगे मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड करियर मोड के तो वहाँ पे ना रैशफोर्ड भी ऐसा ही प्लेयर था और मार्शल भी ऐसे प्लेयर थे जिनको मैंने इग्नोर करके मेसी को बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता था कि मेसी के ऊपर ही सारा बर्डन आ जाता था और बाद में ना उन लोगों को परफॉर्म करने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन मार्शल ने उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस दी थी मार्शल और रैशफोर्ड ने दैट वॉज आउटस्टैंडिंग थी भाई वो। और पॉगबा के जो बीच गोल थे ना दैट वॉज ऑसम, मतलब उसका कोई कंपेरिजन नहीं था। तो वैसे ही मुझे वर्नर का यहाँ पर लग रहा है कि वर्नर भाई बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और आई
डेफिनेटली अप्रिशिएट इज एफर्ट फॉर द टीम. ओके तो यहाँ पे काफी बढ़िया अटैक था, लेकिन हमारा गोल कीपर मेंडी भी खतरनाक प्लेयर है भाई साहब, ये भी बॉल जाने नहीं देता वैसे तो, लेकिन देखते हैं. ओके वापस अटैक पे, यहाँ पे टेरोस के पास बॉल है और बहुत ही बढ़िया ट्राई हो सकती थी लेकिन खराब कर दी. वापस अटैक पे, यहाँ पे विला की टीम और बॉल ये बाहर जाएगा, ये बाहर जा चुका है भाई, बॉल इसको अंदर नहीं ला सकते तुम. तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ का एंड हो चुका है और फर्स्ट हाफ में फिलहाल एक गोल की लीड है हमारे पास वन रन. इस गोल के बावजूद भी हमको ऐसा लग रहा है कि एक आध गोल की और जरूरत है हमको. तो डैनियल जेम्स जिनका कि डेब्यू मैच था, लेकिन देखते हैं ये और क्या करने वाले हैं यहाँ पे. सो हियर वी गो, मैच की शुरुआत हो चुकी है. वापस बॉल है जॉर्जिनो के पास और जॉर्जिनो डी बॉक्स के अंदर थोड़ी कलाकारी करते हैं. वैनर के पास वापस बॉल थी, वैनर ने जबरदस्त शॉट वापस लगाया था. आई रियली इंप्रेस विद दिस गाय यार, कम ऑन वैनर, खतरनाक शूट, कतई जहर लौंडा है भाई ये, बहुत सारे काम कर सकता है इसको प्रॉपर तरह से बॉल मिलती रहे. और बाकी वॉप मिले लुकाकू का, लुकाकू ने बहुत ही बढ़िया पास दिया कोविस के पास और क्या ये गोल, यस गोल नंबर टू. तो ये तो मैं मतलब मुझे ना कुछ चेंजेस ऐसे भी लग रहे हैं, जब लास्ट टाइम मैंने मैसी को लिया था ना, तो मैसी को लेने के बाद क्या हो गया था कि मैसी शूट तो भाई नो डाउट इज अ वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर, लेकिन उसके जो पासेस थे ना वो भी आउटस्टैंडिंग थे. और वैसा ही फील मुझे यहाँ लुकाकू के साथ आ रहा है. लुकाकू को जैसे ही मैंने लिया है, भले ही उसके शूट जो है ना वो कन्वर्ट नहीं हो रहे गोल में, लेकिन जितने भी पासिस वो कर रहा है ना भाई साहब, वो सारे पासिस जो है ना गोल में कन्वर्ट होने के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया मौके देता है वो. यहाँ पे लुकाकू के लिए चांस बनाना चाहते थे वैनर, लेकिन बॉल नहीं बन पाई. ओके वापस अटैक पे, यहाँ पे विला के टीम और डी बॉक्स के अंदर बॉल डालने की ट्राई की थी, लेकिन बॉल नहीं पहुंच पाई उनके प्लेयर के पास और पहुंच गई मेंडी के पास. वापस अटैक पे यहाँ पे, ओके ओके ओ हो 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 हो, ये काफी क्लोज था, ये चांस बन सकता था लेकिन चांस गवा दिया. तो यहाँ पे ये मैच एंड हो चुका है. दो गोल से हमने इस मैच में भाई साहब जीत जो है ना दर्ज कर लिया, और इस दो गोल में काफी बड़ा हाथ रहा है वैनर का और बाद में लुकाकू का, जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग पास किया जिसकी बदौलत गोल जो हमको वहां पे मिला. लेकिन जेम्स के लिए ये डेब्यू मैच उतना कुछ इंप्रेसिव नहीं रहा, बिकॉज जेम्स को ज्यादा बॉल नहीं मिले ट्राई करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए. लेकिन फिर भी डेब्यू मैच में टीम जीती है, तो आई होप सो थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट या मॉरल बूस्ट तो जो है रहेगा ही रहेगा. तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और बॉल मैंने चेंज कर दिया है. बॉल के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो वापस प्रीमियर लीग का जो बॉल है वो हमने सेट कर दिया है. अब यहाँ से ना जो ऑब्जेक्टिव है मेरे वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, क्योंकि जब हमारी रेटिंग शुरू हुई थी तो हमारी 80 की रेटिंग थी हमारे मैनेजर की, और बहुत सारे जॉब्स भी निकल के आ रहे हैं इंटरनेशनल जॉब्स हमारे लिए, और कौन सा इंटरनेशनल जॉब है मैं देखना चाहूँगा. लेकिन मैं फिर भी ये सोचा, लास्ट टाइम मैंने इंटरनेशनल जो जॉब था ना मेरा, वो मैंने आई थिंक इक्वाडोर के साथ लिया था, किसी और टीम के साथ लिया था जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहता. ओह भाई भाई भाई, इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट आया है मुझे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए, और क्या आप इसे लेना चाहते हैं? लेकिन फिलहाल मैं नहीं लूँगा इस ऑफर को, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे इस ऑफर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक शायद नहीं लेना चाहिए, फिलहाल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई भी करवाना चाहते हैं तो टीम का थोड़ा सा जो रेटिंग है ना वो भी डिपेंड करती है, प्लेयर्स की रेटिंग भी डिपेंड करती है. लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या करना चाहिए, सो हम वो देख लेंगे फिर. ओके तो अब जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो है लिवरपूल के साथ भाई साहब, और ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है, और लिवरपूल के होम ग्राउंड पे मैच होने वाला है, और यहाँ पे इनके पास काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं भाई साहब, और सलाह के साथ अगर आपको कम्पीट करना है तो यू शुड बी वेरी 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 क्विक. तो बॉल आई थिंक ये मैंने चेंज कर दिया फाइनली बॉल, आई होप सो. जितने भी लोगों ने क्वेश्चन मार्क कर दिया था मेरे को भाई की प्रीमियर लीग का बॉल क्यों नहीं किया, तो उसको चेंज कर दिया है. सो वी गो, ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है लाइव फ्रॉम एनफील्ड, और मैच का शुरू. ओके बहुत बढ़िया पासिस यहाँ पे लिवरपूल के, और वापस अटैक पे, यहाँ पे लिवरपूल का बहुत ही पहला अटैक, और जोटा के पास क्या ये बॉल नहीं पहुंच पाएगा, मेंडी ने बॉल बीच में रोक दिया. ओके वैनर के पास बॉल है, वैनर बहुत ही बढ़िया बॉल लुकाकू के लिए, लुकाकू यहाँ से बहुत ज्यादा टारगेट से ऑफ थे भाई, बहुत ज्यादा ऑफ थे लुकाकू भैया, बहुत ज्यादा ऑफ थे, आप शोक मत मनाओ इस बात का, कुछ ज्यादा ही दूर थे. ओके वापस वैनर के पास बॉल, वैनर आउटस्टैंडिंग रन, क्या यहाँ से गोल कन्वर्ट, ये चांस कन्वर्ट हो सकता था लेकिन गोल नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली. वापस वैनर के पास नहीं, अब चिलवेल के पास बॉल थी और एक जबरदस्त शॉट, लेकिन गोल नहीं हो पाया. और कांते के पास बॉल है, कांते इस बार हवाई फायर भाई, पिछले दो तीन मैचों में 5 गोल कांते ने दाग दिए थे. ओके और फिर फेबिनो के पास बॉल है, फेबिनो कम ऑन, बहुत बढ़िया मैंडी बॉस, बॉल मिली है वैनर के लिए, वैनर वापस एक स्पीडी रन, क्या यहां से गोल ढूंढ पाएंगे, वैनर 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 कम ऑन, वैनर के पास चांस था यहां पे एक बन सकता था. ओके बहुत ही बढ़िया बॉल जैक के पास, क्या यहां से गोल हो पाएगा, क्या गोल हो पाएगा, नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा लगता मुझे ना टीम फिलहाल पागल ही हो चुकी थी, और ऐसे कैसे ना कैसे करके गोल मिल जाए हमको, और उसके लिए जितना ज़्यादा चाहिए उतना एफर्ट लगाने की ट्राई कर रही थी. जाहिर सी बात है भाई इनके मैनेजर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने, ऐसा कैसे हो सकता है. ओके वापस अटैक पे चेल्सी की टीम यहाँ से, और अब ट्राई करेंगे साहब में गोल ढूंढने की, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं.
ओ भाई ये क्या किया, ओ भाई आ बैल मुझे मार, अबे भाई ये बिगेस्ट मिस्टेक हो गई इस गोलकीपर की मेंडी के आज तक। ओके लुकाकू के पास बॉल है, बहुत ही बढ़िया पास करने की ट्राई थी लेकिन ट्राई अनफॉर्चुनेटली इससे यही हो ना पाई। वापस बॉल और लुकाकू का जबरदस्त पास, और क्या ये गोल होगा, गोल नंबर वन, व्हाट अ गोल। मैं बोल क्या रहा हूँ, तुमको क्या लगता है, तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताना लुकाकू के बारे में तुम लोगों क्या विचार है। भाई लुकाकू मुझे तो लग रहा है कि बेस्ट पास देता, अभी भी जो थ्रू बॉल दिया ना कतई जबरदस्त पास था, अगर ये बॉल नहीं होता तो ये गोल होने के चांसेस काफी कम थे। जैसे ही बॉल आया वन टच में ये बॉल वहां पे मिल गया कोविच को और फाइनली ये गोल लेफ्ट फुट से। ओहो क्या बात है, लिवरपूल अभी थोड़ी शंकाग्रस्त हो चुके हैं क्योंकि उनके पास अब एक गोल की बढ़त नहीं बल्कि एक गोल से डाउन है वो लोग। तो मैथ्यू कॉइसिस का ये गोल था और बहुत ही जबरदस्त गोल, और दो गोल हो चुके भाई इस बंदे की प्रीमियर लीग में, पिछले मैच में भी इसने गोल स्कोर कर दिया और यहाँ पे भी ओपनिंग गोल जड़ दिया। ओके फेनर के पास बॉल, बहुत ही बढ़िया चांस किया यहाँ से गोल कर पाएंगे और बहुत ही बढ़िया हेडर। भाई वेनर और लुकाकू ने टीम बना लिया भाई, ये दोनों जब आगे खेलते हैं ना तो 100% गोल होते ही हैं, मतलब क्या बात है। इसके पहले जो मैच हमने ड्रॉ किया था ना उस मैच में लुकाकू नहीं खेला था, वेनर अकेले सफर कर रहे थे और क्या बढ़िया पास दिया यहाँ पे, ये देखो चिप किया हल्का सा और लुकाकू ने वहाँ अपने हेडर का कमाल दिखा दिया और सीधा बॉल गई है गोल पोस्ट के अंदर। जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त आई मस्ट टेल यू कि ये हुई ना कुछ बात, ऐसी केमिस्ट्री चाहिए हमको जहाँ से ना भाई, भाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकल गया, यस भाई यू डिजर्व दिस भाई, ये बॉल भी तेरे को मिलना चाहिए, जबरदस्त। तो रोमेलु लुकाकू गोल नंबर वन इन प्रीमियर लीग और खाता खोल दिया और वापस वेनर के पास बॉल है, वेनर ने बहुत ही बढ़िया पास किया लुकाकू के लिए, लुकाकू फेंट करते हैं और यहाँ से गोल नंबर टू। भाई साहब ये जो लास्ट के 75 मिनट के बाद का जो गोल चल रहे हैं ना, ये इसमें पूरा मैच बदल के रख दिया है चेल्सी ने यहाँ पे, और जबरदस्त परफॉर्मेंस वन टच पास के साथ और यहाँ पे थोड़े डॉज लगा के साइड से बॉल खींची थी और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लुकाकू एंड वैनर, ये दोनों बहुत घातक जोड़ी है भाई साहब, ये आगे चल रही है ना, ये तो ऐसा कह रही कि भाई साहब हम तो जान लेके रहेंगे। और लिवरपूल के कोच वोच जितने भी ये सब मदहोश हो चुके हैं इस टाइम रोमेलु लुकाकू की परफॉर्मेंस देख के, और दो गोल प्रीमियर लीग में इस लौंडे ने कर दिए हैं मेरे टकलू ने, और बहुत ही बढ़िया गोल। वापस अटैक पे लुकाकू के पास बॉल है, लुकाकू वापस एक नंबर रन पे और मुझे लगता है फिर से बॉल दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, बहुत ही बढ़िया बॉल, क्या ये गोल होगा, वैनर चूक गए यहाँ पे। ओ भाई लुकाकू की गोल्डन लेग कमाल कर रही है आज, और क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इस गोलकीपर ने सेव भी बहुत बढ़िया किया, ये देखो यहाँ से ट्राई की थी हमने, बहुत ही बढ़िया, ओ जबरदस्त सेव, गजब। वापस कॉर्नर पे, यहाँ पे क्या कॉर्नर से गोल हो सकता है, बहुत ही बाहर पास गया लेकिन वह वापस पास दिया वेनर के पास और ये दोनों, ओहो ये दोनों भाई एक दूसरे को ढूंढ ही ले रहे हैं। लुकाकू देखो कहाँ पे था और कहाँ से उसने वापस वेनर को बॉल दिया, वेनर का हाफ वॉली शॉट बहुत ही सही शॉट था, अगर गोल कीपर का हाथ नहीं लगता तो गोल पक्का था। ओके तो मुझे लगता है काफी टाइम यहाँ पे हो चुका और ये मैच का एंड यहाँ पे हो चुका है और चेल्सी ने बीट कर दिया लिवरपूल को 3 गोल से, और ये तीनों गोल कतई जहर गोल थे। और लुकाकू जो भाई साहब इस टाइम गोल्डन लेग लेके चल रहे हैं लुकाकू, हम मुझे तो लगता है मेरा डिसीजन खराब नहीं हुआ, पासिस बहुत बढ़िया करता और मैच में फिनिश भी जबरदस्त। लेकिन मैं बोलूंगा जितना क्रेडिट हम लुकाकू को दे रहे हैं तो उसका 50% क्रेडिट हम वेनर को भी देंगे। तो आपको क्या लगता है, मेरा क्रेडिट देना बिल्कुल सही था या नहीं था, आप तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपको क्या लगा हमारा ये वाला एपिसोड के बारे में और लुकाकू और वेनर की जोड़ी के बारे में। तो यूएफए चैंपियंस लीग भी शुरू होने वाला है यहां से, अब इसी का वेट कर रहे थे हम, यूएफए चैंपियंस लीग यहां पे शुरू हो जाएगा तो अब चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के मैचेस भी यहां पे शुरू होने वाले हैं, इट मींस अब और ज्यादा मजा आने वाला है। तो अब यूएफए चैंपियंस लीग में जाएंगे और चैंपियंस क्लब के साथ मैचेस खेलेंगे, वो भी बाद में नेक्स्ट एपिसोड में आने वाले हैं। तो आप, मैंने जैसे कहा था कि आप लोग जो इतने वैल्यूएबल कमेंट करते हैं उनकी मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं, थैंक्स फॉर कमेंट करने के लिए भाई साहब और लाइक और शेयर करने के लिए। तो लाइक और शेयर बना के रखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो एपिसोड लाते रहूं ऐसे फीफा 21 के पेस के, जो भी एपिसोड आप चाहते हो, अगर आप चाहते हैं यूरो का भी मैं करूं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे। तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना तो बनता है भाई अपने भाई के लिए, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन सी यू एंड बाय।